हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जो कोई भी इस धरती पर जन्म लेता है वो एक न एक दिन इस धरती से जाता भी है, चाहे वो मनुष्य हो या फिर स्वयं प्रभु का अवतार। द्वापर युग में जब श्री कृष्ण ने इस धरती पर अवतार लिया, उसके बाद अपना देह त्याग किया, इस बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन कितने लोगों को पता है कि आखिर किसने किया श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार? श्री कृष्ण के समस्त वंश का नाश हो गया था, ऐसे में ऐसा कौन था जिसने श्री कृष्ण की अंतिम क्रिया की? तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। महाभारत के मुसल पर्व में श्री कृष्ण के मृत्यु का उल्लेख है। जब जरा नाम के शिकारी ने श्री कृष्ण के चरण पर तीर से प्रहार किया और श्री कृष्ण के अंगूठे में वो तीर लग गया, उस वक्त श्री कृष्ण अपने सारथी दारुक से कहते हैं कि द्वारिका जाकर सभी को बताएं कि यदु वंश नष्ट हो चुका है, बलराम के साथ श्री कृष्ण भी स्वधाम लौट चुके हैं, अतः सभी लोग द्वारिका छोड़ दें क्योंकि द्वारिका जल में डूबने वाला है। इसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को भी खबर भिजवाते हैं कि द्वारिका जाकर सभी को इंद्रप्रस्थ ले जाएं। जब अर्जुन को श्री कृष्ण के स्वदेश गमन की बात पता चली, उस वक्त अर्जुन आते हैं और वही श्री कृष्ण का अंतिम संस्कार करते हैं। कहा जाता है कि अंतिम संस्कार में श्री कृष्ण का हृदय नहीं जल पाया था, इसीलिए अर्जुन ने श्री कृष्ण के हृदय को जल में प्रवाहित कर दिया। कहा जाता है आज भी द्वारिकाधीश का वो हृदय जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी के हृदय में धड़क रहा है। दोस्तों, श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान थे, उनका एक स्वरूप श्री राधा के साथ गोलोक चला गया था और एक भौतिक स्वरूप का अंतिम संस्कार अर्जुन द्वारा हुआ था। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।